पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। टेम्पररी वर्कर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। टेम्पररी वर्कर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। यूएसडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएसडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। डेली वेजर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। यूएसडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया टुडे स्ट्राइक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया टुडे स्ट्राइक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएसडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएसडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसपीएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया टुडे स्ट्राइक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मिड डे मील वर्कर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। मिड डे मील वर्कर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। पुरानी पेंशन पॉलिसी बंद लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूएसडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएसडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज है कठुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के झंडे तले, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के झंडे तले, यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, पावर एम्प्लॉय एसोसिएशन, मिड डे मील वर्कर एसोसिएशन, ये तीन चार एसोसिएशन जो इकट्ठा होकर जो दो दिन का हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, हम उसकी सपोर्ट में आज स्ट्राइक कर रहे हैं। आज की जो स्ट्राइक है उसमें जो मुख्य मांग है, उसकी जो मुख्य मांग है वो है कि पुरानी पेंशन पॉलिसी दो जो 2004 से पहले पूरे हिंदुस्तान में सारे कर्मचारियों के ऊपर लागू होती थी, उस पेंशन स्कीम को इन्होंने स्क्रैप किया था और नई पेंशन स्कीम लेके आई थी। हम चाहते हैं कि उस जो नई पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए और पूरे हिंदुस्तान में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ये लागू करा जाए। हम इस बात को करते हैं, सुनते हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नेशन होगा, एक फ्लैग होगा, एक मुल्क एक झंडे की जहां बात करते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि दो किस्म की पेंशन क्यों। एक पेंशन जो ये पूरा एम्प्लॉय एक ही सेट के अंदर काम करता है उनको दो किस्म की पेंशन जो है वो आज दी जा रही है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम, एक न्यू पेंशन स्कीम। हम चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो तमाम वर्कर्स के ऊपर लागू की जाए। दूसरा जो आज का मुख्य डिमांड है कि जितना टेम्परेरी वर्कर स्टेट के अंदर चला हुआ है, जितना टेम्परेरी वर्कर, उस सारे के सारे को रेगुलराइज किया जाए। फिर वही बात होती है कि अगर हम वन फ्लैग वन नेशन की बात करते हैं तो टू टाइप का एम्प्लॉयमेंट क्यों, एक एम्प्लॉयमेंट है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एक टाइप एक एम्प्लॉयमेंट है जो कि इररेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, कैजुअल है, उसको हम एक किस्म का एक्सप्लाइटेशन मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा एम्प्लॉय जो है वो एक सेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आए। ये हमारी मिड डे मील वर्कर्स है आज यहाँ, ये मात्र 1000 रुपये से गुजारा करती हैं। एक कॉन्टिजेंट पेड वर्कर हैं वो 300 रुपया साल का उसके ऊपर गुजारा करती हैं। ये डेली वेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, पावर के अंदर है, पीएचई के अंर हैं, तो ये मात्र 800 रुपये के ऊपर तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं और जिसका मतलब कि गुजर जो है वो मुश्किल होता है। हम चाहते हैं इन जितना टेम्परेरी वर्कर है, जितना टेम्परेरी वर्कर्स है, उन सबको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर रखा जाए। जो मिनिमम वेजेस एक्ट 2001 सरकार ने बनाया था उसको जहाँ पे लागू किया जाए और इनको कम से कम 21,000 रुपया महीना तनख्वाह जो है वो बागुजार की जाए। तो इन सारे मुद्दों को लोग, जो दो दिन का दो रोजा हड़ताल जो था पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हो रहा है, उसके साथ साथ हम उस हड़ताल के अंदर शामिल हैं और आज इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए, टेम्परेरी वर्कर्स को पक्का कराने के लिए, और ये जो प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है कि रेलवे को बेच दो, पोर्ट्स को बेच दो, हाईवे को बेच दो, फलाने डिपार्टमेंट्स को बेच दो, हम ये प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय जो है वो पब्लिक सेक्टर जो है वो मजबूत हो, उसके अंदर कर्मचारी जो है वो काम करने वाला मजबूत हो। इसका मजदूर जो है
एम्प्लॉय जो है, बैंक एम्प्लॉय जो है, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला सारा एम्प्लॉय जो है वो दो दिन की स्ट्राइक पर है। और आज कठुआ के अंदर हम उसी स्ट्राइक की सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ और लिबरलाइजेशन के खिलाफ। उसके नतीजे हमारे सामने हैं कि आज ये सरकार जो है इसने जितने भी सरकारी इदारे हैं उनको भेज दिया है, LIC को भेज दिया, बैंकों को भेज दिया, रेलवे को भेज दिया, एयरपोर्ट को भेज दिया, एयरबेस को भेज दिया। और एक तरफ सरकार कहती है, एक तरफ सरकार कहती है कि साहब 70 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं बनाया। अगर 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं बनाया तो आप बेच क्या रहे हो? तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो वर्किंग क्लास का हुआ है, वो मजदूरों का हुआ है, वो किसानों का हुआ है। और जो लेबर लॉज जो हैं, जो सरकार ने एक झटके में विड्रा कर लिए, जो बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़के मजदूरों ने अपने अधिकारों को लिया था, ये सरकार उन लेबर लॉज को भी जो है वो विड्रा करने जा रही है। तो उसके खिलाफ पूरे देश का मजदूर जो है वो सड़कों पर है, कामगार जो है वो सड़कों पर है, काम करने वाला एम्प्लॉय जो है वो सड़कों पर है और अपने सरों पर कफन बांधकर इन अधिकारों को लेने के लिए ये लड़ाई जो है मजदूर लड़ रहा है। और हम समझते हैं कि इसमें मजदूर की सफलता होगी, इसमें मजदूर कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।